Today, we will start chapter seven Comparing Quantities from NCRT Revised Edition two thousand twenty three for class. सेवेंथ फोर सी बी एस सी ह्यो कंपेयरिंग क्वांटिटी का मीनिंग किस चीज को बेस किस चीज से बेच जाइए सबसे so, पहले बेच जाइए परसेंटेज से कंपेयरिंग ठीक है परसेंटेज दूसरा ये बेस है प्रॉफिट लॉस पे तीसरा ये बेस है रेशो पे फोर्थ वन ये बेस्ड है इंटरेस्ट पे अंडरस्टोड yes, मेरे लिए चार चीजें आती है प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस में सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट टैक्स ये सारा कुछ आ जाएगा ओके okay? yes, तो आ, सबसे पहला टॉपिक यहां पे जो आता है परसेंटेज आता है क्या आता है सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है पता है व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड जैसे मान लो आपके फोर हंड्रेड मार्क्स आए फाइव हंड्रेड में से टोटल तो आपके कितने परसेंट हुए हंड्रेड को फाइव से डिवाइड करेंगे हंड्रेड आ जाएगा ना यस yes, सर किससे डिवाइड किया हंड्रेड फाइव uh, से ऊपर वाले को भी फाइव से डिवाइड करो मतलब अगर आपके फोर हंड्रेड मार्क्स है फाइव हंड्रेड में से तो आपके एट्टी मार्क्स है हंड्रेड में से उसी रेशियो में कहने का मतलब कि मतलब आपके एट्टी परसेंट मार्क्स है अब जब भी बच्चे हमने परसेंटेज को फाइंड करना है वी वॉन्ट टू चेंज इट इन टू परसेंटेज तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे हंड्रेड से जैसे यही चीज है फोर हंड्रेड मार्क्स से आउट ऑफ फाइव हंड्रेड इन टू हंड्रेड हो जाएगा जीरो कट हो गई फाइव से इसको कट करो कितना परसेंट आ गया एट्टी परसेंट मार्क्स आ गए जब रिमूव करना हो परसेंटेज सिंबल डिवाइड बाय आपके एट्टी परसेंट मार्क्स आए परसेंट हटाना है नीचे हंड्रेड चला जाएगा इनटू टोटल मार्क्स जीरो गड़बड़ किया है ठीक हाँ, है एट फाइव फोर्टी फोर हंड्रेड मार्क्स हो गई परसेंटेज को नंबर में भी चेंज कर दिया नंबर को परसेंटेज में भी चेंज कर दिया ठीक है यस yes, आपका रिजल्ट आ गया यस yes, सर। आपकी कितने मार्क्स आए हैं सर हम्म। नंबर में? हुँ? नंबर्स में परसेंटेज में नहीं नंबर्स में कितने मार्क्स आए हैं टोटल कितने के मार्क्स के पेपर थे और कितने मार्क्स तो नहीं। नहीं। मैंने परसेंटेज अच्छा परसेंटेज ही है चलो अब इसके अंदर यही बच्चे ये चीज है दो चीजें परसेंटेज में चेंज करना तो इंटू हंड्रेड परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड बाय हंड्रेड बस तो एक्सरसाइज जो सेवन पॉइंट वन है वो इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज तो इसमें सबसे पहला सम कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर इंटू परसेंटेज गिवन फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे फ्रैक्शन वन बाय एट इन परसेंटेज ऐसे लिख के वन बाय एट क्या करेंगे इंटू हंड्रेड बस ये फोर के डेबल पे कट हो रहा है

चारों के चारों पार्ट्स ऐसे ही हैं क्या लिखा है उन्होंने कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट अब डेसिमल दिया है इसको किसमें करना है परसेंटेज जीरो पॉइंट सिक्स फाइव है पहले क्या करो इन फ्रैक्शन लिख लो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा अपॉन हंड्रेड इसके बाद इन परसेंटेज सिक्सटी फाइव अपॉन हंड्रेड इन टू हंड्रेड क्या आ गया सिक्सटी फाइव हो गया ऐसे सारे पार्ट्स हैं हो जाएंगे यस सर थर्ड सम व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड हेंस फाइंड द परसेंटेज व्हिच इज कलर्ड ये कितना पार्ट कलर है सर्कल का अप्रोक्सीमेट वन फोर्थ वन फोर्थ मतलब इसमें क्या लिखेंगे पहले फ्रैक्शन लिख देंगे वन फोर्थ उसके बाद ऐसी परसेंटेज वन बाय फोर इन टू हंड्रेड ऐसी कितना पेंट है सर थ्री फिफ्थ थ्री अपॉन फाइव इंटू हंड्रेड परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे थ्री एटन एट इंटू हंड्रेड हो जाएगा फोर्थ सम फाइंड फिफ्टीन परसेंट ऑफ टू फिफ्टी ये फाइंड करना है परसेंट हटाओ बेटा क्या लिखू मैं फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इन टू टू फिफ्टी यहाँ बेटा कट कर दो फिफ्टी के टेबल पे फिफ्टी टू हजार फिफ्टी फाइव हजार आगे नहीं कट हो रहा ना नो सर फिफ्टीन फाइव फिफ्टीन सेवेंटी फाइव अपॉन टू डेसिमल में चेंज कीजिए हो गया थ्री टू जार सिक्स वन फिफ्टीन सेवन टूर फोर्टीन वन ऐसे में लगा के जीरो लग गया टेन हो गया हम्म 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 इसका एक पार्ट और कर देते हैं हम कौन सा करें डी पार्ट कर देता हूँ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वन किलोग्राम सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड इंटू वन यहां पे एक चीज और कर सकते हैं अगर ग्राम में चेंज कर दें तो भी हो जाएगा वन किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं पता है दो जीरो कट हो तो गई सेवन फिफ्टी ग्राम यहां साइड पे ना लिख देंगे सिंस वन के जी टू थाउजेंड ग्राम समझे बच्चे यहां देखो वन आर लिखा है ना इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना ये तो रुपीज में ही रहने दो अब फाइंड द होल क्वांटिटी फाइव परसेंट ऑफ इट इज सिक्स हंड्रेड जो फिफ्थ है उसका ए पार्ट हमें क्या दिया है फाइव परसेंट ऑफ इट इज सिक्स हंड्रेड होल क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है तो कैसे लिखेंगे क्या लिखा है फाइव परसेंट ऑफ इट इट मतलब ये एक्स मतलब ऐसे ही हम लिख देंगे फाइव परसेंट ऑफ एक्स इसका मीनिंग इक्वल किसके

आ और साथ में कितनी जीरो दो है, है, है एक यहां है. Three. Three हो गया, ये गई, ठीक है बच्चे yes, sir. कोई और पार्ट करू इसका नो सर नो नीड श्योर यस सर नेक्स्ट सम सिक्स क्या लिख दिया कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म पहले कहते परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करो फिर डेसिमल को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो फ्रैक्शन को एंड आल्सो टू फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म सिक्स का ए पार्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट दिया हुआ है तो यहां पे पहले करें क्या करेंगे इन फ्रैक्शन करेंगे क्या आएगा एक मुझे ना इसका आंसर देखो अगर डेसिमल में ना दिया हुआ ना तो हम करते ही नहीं डेसिमल में फिर तो पंगा डाला हुआ है इन्होंने लिख के ना ये चीज का डेसिमल फ्रैक्शन दोनों ही है फ्रैक्शन ये आ गया इनको कट कर लो फोर या एक काम करो सीधा डेसिमल लगा दो यहाँ इन डेसिमल फ्रैक्शन लिख दो कितना पहला आंसर हमारा ये आ गया इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे लिख देना आगे इसको फिर से उठा लो ट्वेंटी फाइव फोर वन पॉइंट फोर आएगा फोर नहीं आएगा ना? Yes. तो मुझे लगता है ये चारों तो बहुत इजी से कर लेगी कर लेगी ना यस सर आप नेक्स्ट सम इन ए सिटी थर्टी परसेंट आर फीमेल फोर्टी परसेंट आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन देखो तो परसेंटेज का मीनिंग पहले भी बताया था मैंने क्या होता है आउट ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड परसेंट में से थर्टी परसेंट फीमेल हैं फोर्टी परसेंट मेल हैं बाकी रिमेनिंग चिल्ड्रन हैं व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ऐसे लिख के थर्टी परसेंट परसेंटेज ऑफ मेल्स परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हंड्रेड माइनस इन दोनों का सम सेवेंटी ऐसे हंड्रेड माइनस सेवेंटी ट्वेंटी 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 के थर्टी अच्छा हंड्रेड माइनस थर्टी ट्वेंटी कैसे आया था मुझे बता तो दे <laughs> सर मेरे को वो एटी लगा एट्टी लगा हाँ ये हो गया उन्होंने परसेंटेज ही पूछा है क्या पूछा था वट परसेंट आर चिल्ड्रन थर्टी परसेंट आर चिल्ड्रन हो गया एट आउट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यू एक कॉन्स्टिट्युएसी में फिफ्टीन थाउजेंड वोटर्स हैं सिक्सटी सिक्सटी परसेंट परसेंट वोटेड ने अपना वोट दिया फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु हुआ अबनी क्या फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ वोटर फाइंड करना है जिन्होंने वोट नहीं किया कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट देखो 60% ने वोट दिया तो कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया सर जो टोटल है उसमें से 60% माइनस कर लेंगे टोटल कितने हैं सर 15000 था परसेंटेज कितनी होती है गदी? फिर उन्होंने क्या पूछा है परसेंटेज पूछी है ना यस yes, सर कितनी परसेंट आएगी कि फिर जिन्होंने वोट नहीं किया यस समझ आया कि नहीं आया आया पक्का हाँ. देख ले हाँ. हाँ. चलो आउट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड वोटर इन कॉन्स्टेंटली पहले यहां पर लिखना कैसे है प्रेजेंटेशन कैसे करनी है टोटल वोटर्स वोटर्स कितने हैं फिफ्टीन थाउजेंड वोटर्स हैं सिक्सटी परसेंट वोटेड परसेंटेज ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट कास्ट दे मतलब समझ आ गया जिन्होंने वोट डाला वो कितने परसेंट तो उन्होंने क्या पूछाटेज ऑफ वोटर डिडेंट वोट परसेंटेज ऑफ वोटर डिडेंट वोट हंड्रेड माइनस सिक्सटी कितना आ गया फोर्टी परसेंट और क्या लिखा आगे कैन यू नाउ फाइंड दाउ मेनी एक्चुअली डिडेंट वोट अब नंबर में पूछ लिया उन्होंने नंबर ऑफ वोटर्स डिडन्ट कास्ट योट फोर्टी परसेंट है ना ये फोर्टी परसेंट ऑफ एक बार ऐसे लिख लो फोर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड फोर्टी अपॉन हंड्रेड

क्वेश्चन नंबर नाइन क्या लिखा है मीता सेव रुपी फोर थाउजेंड फ्रॉम हर सैलरी कितनी मनी सेव करती है फोर थाउजेंड इफ दिस इज टेन परसेंट ऑफ हर सैलरी वट इज हर सैलरी लेट मीता सैलरी क्या लेट कर ले हम रुपी एक्स ले लेते हैं ठीक है परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड या सैलरी सेव सैलरी सेव ही लिख दो कितना सेव करती है टेन परसेंट और सैलरी इन सैलरी सेव्ड इन रुपी इन रुपीज वो फोर थाउजेंड सेव किया ये किया ना यस yes, सर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूं मुझे नहीं पता आप बताओगे बच्चे मुझे ये परसेंटेज है सेविंग की ये रुपीज में सेविंग है परसेंटेज को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर ना ऐसे नहीं टेन परसेंट ऑफ एक्स पूरी सैलरी का टेन परसेंट है ना बेटा वो तो सर टेन अपॉन हंड्रेड बाद में करेंगे ना बेटा वो तो ये चीज बोल रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे टेन परसेंट मनी सेव करता है ना वो यस सर किसके एक्स टोटल सैलरी का ही होगा ना टेन परसेंट वो yes, तो ऐसे लिखेंगे टेन बाय हंड्रेड इंटू एक्स इक्वल टू फोर थाउजेंड तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर थाउजेंडेंड इंटू हंड्रेड अपॉइंट किया क्या? तो देयर फोर मंथली सैलरी भी 4, ऐसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है और रुपीज वर्ड नहीं डाला तो हाफ या वन मार्क कट जाएगा फोर्टी थाउजेंड बस द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज ए लोकल क्रिकेट टीम प्ले ट्वेंटी मैचेस इन वन सीजन टोटल मैचेस कितने प्ले किए ट्वेंटी ए वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दिन विनिंग परसेंटेज ट्वेंटी फाइव परसेंट है हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिंट हाउ मेनी मैचि डिड दे तो विन कैसे आएगा यहां परसेंटेज में दिया है ना उसको नंबर में चेंज करने है ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका टोटल मैचेस का ही विन किया है ना तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ट्वेंटी हो जाएगा समझे तो बेटा 25 अपॉन 100 20 एक बार तो ऐसे लिखेंगे ना उसके बाद चेंज करते हो हाँ हाँ वो बार... तो हाँ जी बेटा 25 सा 5 तो कितने मैच जीते वो 5 फाइव मैचेस दे वन हो गया समझ आया बेटा ऐसी टीम है 20 में से 5 मैच जीत लिए बस हाँ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है नेक्स्ट yes. एक्सरसाइज है, पहले मिनट, पहला सम प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे है उसके बाद चलो आज ही खत्म कर देते हैं ये चैप्टर आपका yes. कर दें बोलो कर देते हैं फिर एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू तो सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज बेटा सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है सी डॉट पी कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस का मीनिंग द प्राइस एट which यू बॉट द आइटम कोई भी चीज खरीदते हो ये पेन है, 10 रुपी का purchase किया तो इसकी सीपी कितनी है 10 रुपी hey. SP, selling सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे आप सेल करते हो कोई चीज को बेचते हो हंड्रेड तो में कर लिया आपकी फ्रेंड को वो बहुत अच्छी लगी वो कहती मुझे दे दे आपने उसको सेल कर दिया वन ट्वेंटी में तो क्या हुआ बीस रुपए क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ ना यस yes, सर तो यहां पे जब भी एसपी ज्यादा होगा ग्रेटर होगा सीपी से एट दैट टाइम प्रॉफिट अक्स और प्रॉफिट किसके इक्वल होता है वो ट्वेंटी रुपी कैसे आया था इसमें से ये माइनस करके आया था ना एसपी माइनस सीपी बेटा तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया था ठीक है। सीपी हंड्रेड एसपी वन ट्वेंटी जब भी एसपी ग्रेटर होगा सीपी से तो प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट किसके इक्वल एसपी माइनस सीपी ये पहला फॉर्मूला बन गया हमारा उसके बाद सपोज आपने कोई आइटम हंड्रेड की परचेज कर ली पर आपको पसंद नहीं है वो तो आपने क्या किया उसको सेल कर दिया सपोज आपने सेवेंटी फाइव में सेल किया आपको पसंद नहीं थी आपने निकाल जाइए मैं रखना नहीं चाहती इसको तो क्या 25 किया पच्चीस तो रुपए आपको लॉस हो गया ना सर मतलब ये कंडीशन जब भी सीपी ज्यादा होगा बेटा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा एसपी से जब एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा जब भी सीपी ज्यादा होगा तो लॉस होगा लॉस किसके इक्वल सीपी माइनस एस करेंगे ये दो फॉर्मूलाज आपने लर्न करती है। कर लोगे? करोगे yes. अब तीसरा फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज करना है तो प्रॉफिट जो रुपीज में आएगा यहां से परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम सर परसेंटेज में परसेंटेज में चेंज करने अभी तो करवाया था तेरे को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं सर मल्टीप्लाई कहसोनी में आप मल्टीप्लाई आप बाय 100 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन सीपी जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑलवेज सीपी पे आकर होता है कॉस्ट प्राइस पे आकर होता है ठीक है फोर्थ वाला फॉर्मूला ये थर्ड फॉर्मूला हो गया फोर्थ वाला फॉर्मूला लॉस परसेंटेज सेम टू सेम वे लॉस ठीक है मोटी? यस yes, सर ये हमारा फोर्थ वाला फॉर्मूला इसके बाद जो अब मेन फार्मूलाज हैं ये तो छुटकू फॉर्मूला थे अब इसके बाद मेन फार्मूला आता है हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या है जब भी बेटा सीपी गिवन होगा एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन होगा दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा गिवन हो हमें ये तीन चीजें दो चीजें एंड प्रॉफिट दिया हो या सीपी एंड लॉस दिया हो yes. तो उस टाइम एसपी कैसे फाइंड होगा हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे अगर लॉस है तो माइनस तो माइनस करेंगे अपॉन हंड्रेड इंटू सी पी रहेगा ये फॉर्मूला याद यस yes, सर अगर प्रॉफिट है तो ऊपर मतलब एसपी के टाइम जब भी हमने एसपी फाइंड करना है तो प्रॉफिट या लॉस ऊपर होगा प्रॉफिट है तो हंड्रेड में प्लस हो जाएगा लॉस है तो हंड्रेड में से माइनस माइनस हो जाएगा नीचे हंड्रेड आएगा इंटू सी पी ये फॉर्मूला याद रखना है ऐसी बेटा सीपी का फॉर्मूला भी ये ऊपर ये नीचे मतलब हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी ये होगा गए चीज है बेटा ये फॉर्मूला याद रखें अब उसके बाद एक आया है बेटा सिंपल इंटरेस्ट हम मैंने यूविका से कुछ पैसे इंटरेस्ट पे ले लिए तो उस वहां पे अभी तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट है सिर्फ प्रिंसिपल इन टू रेट इन टू टाइम अपॉन हंड्रेड ये है। पी क्या होता है जितनी मनी बोरो से लोन लिया है रेट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पर एन का होता है पूरे साल का होता है टी टाइम कितने टाइम के लिए वन ईयर के लिए टू ईयर के लिए या फाइव ईयर के लिए अपॉन हंड्रेड तो वो सिंपल इंटरेस्ट होगा एक आयत है अमाउंट पी प्लस एस आई जितना इंटरेस्ट बना प्लस प्रिंसिपल वो अमाउंट होगा अमाउंट का मतलब मैंने आपसे वन लाख ,00 रुपया उधार लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था जब मैं आपको वापस करूंगा तो मैं आपको कर रहा हूं वन लाख टेन थाउजेंड वो टेन थाउजेंड क्या है इंटरेस्ट तो ये क्या हुआ अमाउंट होता है वो बस ये फॉर्मूलाज है इन फॉर्मुला के बेस पे अभी हम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू स्टार्ट करते हैं पहला सम ए पार्ट टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस पहला पार्ट गार्डनिंग शेयर्स वोट फॉर दिस एंड सोल्व फॉर दिस क्वेश्चन में क्या पूछा तो यह बताना प्रॉफिट है लॉस परसेंट इन ईच केस पहला पार्ट सी पी कितना है सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है रुपी टू फिफ्टी है एंड सोल्ड फॉर थ्री ट्वेंटी फाइव सेलिंग प्राइस कितना है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज है कॉस्ट प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस है हमारे पास अब प्रॉफिट क्योंकि तो देखो सेंस यहां पे ऐसे लिख देना चाहिए सेंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर ना कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट किसके इक्वल होगा सर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी एस एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव में सेल किया था टू फिफ्टी में परचेज किया था माइनस किया रुपीज सेवेंटी फाइव इज द प्रॉफिट ये पहला आंसर आ गया अब उन्होंने प्रॉफिट profit... को परसेंटेज में भी करने लेगा फिर हाँ ये पहला आंसर आ गया मैं यही बोल रहा हूँ ना अच्छा अच्छा नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या बताया था सर हंड्रिट प्रोफिट इंटू हंड्रेड प्रॉफिट करना है एसपी डिफाइन करना वो एस का होता है प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिया रुपीज में उसको परसेंटेज में चेंज करना है इनटू हंड्रेड अपॉन सीपी ये फॉर्मूला प्रॉफिट कितना है सेवेंटी फाइव निकाला हमने इनटू सीपी कितना निकाला है टू फिफ्टी टू फिफ्टी ये कट कर दो के लेवल पे टू यहां फाइव यहाँ फिफ्टी तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया टूर थर्टी थर्टी परसेंट आगे पहला पार्ट हो गया हमारा पार्ट, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट पहले तीनों में प्रॉफिट हो रहा है फोर्थ वाले में डी पार्ट में लॉस हो रहा है इसका है बोर्ड फॉर टू फिफ्टी ये सर एंड सोल्ड फॉर वन फिफ्टी कितना लॉस हुआ टू फिफ्टी में परचेज की वन फिफ्टी में सेल कर दी हंड्रेड तो लॉस परसेंटेज हंड्रेड इनटू हंड्रेड अपॉन टू फिफ्टी आएगा, ठीक है? Yes, कर लोगे? यस सर। सेकंड सम, चीरेशो बंदी है। अब इन्होंने देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में? कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ़ द रेशो इनटू परसेंटेज। ईच पार्ट को और परसेंटेज में चीज़ करना तो, है। दो पार्ट है तो यहां पे बच्चे सबसे पहले ना सम ऑफ समोज निकालेंगे है ना देख लो yes. बच्चे yes, तो सबसे पहला निकालना है सम ऑफ रेशो सी प्लस वन कितना आ गया फोर तो उन्होंने क्या पूछा है कन्वर्ट ईच पार्ट इनटू परसेंटेज तो परसेंटेज ऑफ

इनिशियल कितना ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई सर ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर

इस पॉपुलेशन से डिक्रीज हुई थी ना तो ये नीचे आएगा अब तीनों जीरो दो जीरो यहां से कट होगी एक जीरो यहां से ट्वेंटी फाइव टू सा कितने परसेंटेज टू परसेंट डिक्रीज हुई फोर्थ सम अरुण बोट अ कार फॉर थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड कितने की परचेज की थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू थ्री फिफ्टी से थ्री सेवेंटी होगी वट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज देखो इनिशियल प्राइस ऑफ कार इतना है थ्री लैख रुपीज थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड इंक्रीज प्राइस थ्री लैक्स सेवनटी थाउजेंड्री लैक्स इंक्रीज इन प्राइस कितना प्राइस इंक्रीज हुआ दिस माइनस दिस ना सर तो ट्वेंटी पूरा प्रॉपर सीधा ट्वेंटी नहीं लिखना ऐसे हाँ, माइनस करके दिखाना दिखा शो करना पड़ेगा सारा हाँ ट्वेंटी थाउजेंड क्या पूछा उन्होंने वट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज हुआ है ना इन टू हंड्रेड थ्री लैख थ्री लैख सर इनिशियल प्राइस तो नीचे आता है कितना है वो थ्री लैख फिफ्टी हाँ थ्री लैख नहीं है ट्वेंटी फोर्टी अपॉन सेवन परसेंट इसको हम एक्सट्रैक्शन में चेंज कर दो सेवन फाइव या थर्टी फाइव फाइव अपॉन सेवन परसेंट हो गया डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो वो आप पे डिपेंड है कि आपने किसमें करना है ठीक yes. है यस जो नेक्स्ट फिफ्थ वाला आई बाय टीवी फॉर टेन थाउजेंड कॉस्ट प्राइस क्या है रुपी टेन थाउजेंड है कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेचा ट्वेंटी परसेंट पे हाउ मच मनी आई विल गेट मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा फॉर्मूला याद है जब भी सीपी और प्रॉफिट दिया है बताया था मैंने हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू सी याद रखना ठीक है तो सिंपल आ गया हंड्रेड प्रॉफिट परसेंट ट्वेंटी है नीचे हंड्रेड सीपी कितना है टेन थाउजेंड है 120 अपॉन 100 इनटू 10,000 जीरोस कैंसल हो गई 120 इनटू 100 120000 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया हो गया इतनी मनी मुझे मिली मैंने इतने में परचेज किया था 25% 20% पे सेल किया तो इतना इतना पैसा मुझे मिलेगा हो गया सिक्स सॉम सेम है बेटा जू ही सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन फॉर रुपी थर्टीन सेल्स सेल्स का मतलब इतने में सेल किया है इतने में क्या किया है सेल लॉसेस सेलेंट ऑफ द इन द दिन वाज द प्राइस फाइंड करना है अभी सेलिंग प्राइस कितना दिया हमें रुपी थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिया है लॉस परसेंट कितना है ट्वेंटी परसेंट है वट इज द प्राइस एट विज इट अब कॉस्ट प्राइस का प्राइस के टाइम प्रॉफिट या लॉस कहा पे होता है? नीचे होता है. नीचे. है तो होगा हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी डू सेलिंग प्राइस थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हंड्रेड अपॉन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको कट कीजिए जीरो से यहां से जीरो काट दिया यहाँ पे टू आ गया ट्वेंटी फोर के डेबल पे काट दिया ट्वेंटी फाइव ये भी कट हो रहा है सिक्स सेवन फाइव इन दोनों को सिक्स सेवेंटी फाइव को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करने तो मैं एक काम करता हूं एक मेथड सिखाया था ना यस yes, सर याद आया यस सर ट्वेंटी फाइव को फोर से करते हैं तो ये मतलब फोर से डिवाइड कर दिया डेसिमल में फोर वन जावन सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर थर्टी फाइव एट फोर जा जटी टू थर्टी सेवन फाइव ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया हो गया ठीक है yes, यस सर सेवन सा आज थर्टी वन है तुमने थ्री को जाना है दो चैप्टर हम कल और परसों दो और कर लेंगे अरे तेरा सिलेबस खत्म क्या हो गया मॉर्निंग सर हाँ जी नीचे सर नमस्कार जी हाँ नमस्ते मैंने इसको कल आपने वो कराया था ना हाइपोटनीज और ट्राइंगल वाला हाँ जी तो उसमें दे रखा था कि हाइपोटे सपोज आपको दे रखी है आपको एक साइड और दे रखी एक निकालनी थी हाँ जी तो ये वही कर रही थी मैंने कहा बोली जबकि साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर हाइपोटनीस के स्क्वायर के बराबर होता है हाँ जी आपने कराया अब इन्होंने क्या किया कि हाइपोटे का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर इक्वल टू नीचे वाली का स्क्वायर तो मैंने ही कहा इसका आंसर गलत आने लगा

प्रॉब्लम नहीं है कि बाद में हमारे पास बहुत टाइम है बहुत टाइम है कोई भी नई चीज सीखते हैं उसमें एक बार तो टाइम लगता है देखो मतलब तो करती कर कर तो कर, कर हूँ सर ने कराया उतने बुक करोगी पीडीएफ बना के भेजोगी और मेरे सामने बैठ के करो भेजा नहीं आएगा मैं बैठी हूँ आज ही बोला था मैंने इसको मैं भेजा नहीं तूने कल का नहीं भेजा लेकिन इसे कर लिया okay. हाँ कर लिया इन्होंने लेकिन करती है, है।, है। मैंने कहा बेटा ये टाइम है मैं भी मेहनत करती हूँ इसके साथ की बच्चा कम से कम में बिठा पीडीएफ बनाओ भेजो सर कभी भी चेक कर सकते हैं मैंने कहा टेस्ट लेकर पता चलेगा मैंने कि मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वीक का शेड्यूल भेज दिया था हाँ वो मैंने देख लिया था तो वीकली एक टेस्ट तो मैं इसका लूंगा ही लूंगा सर सेकंड की भी इनकी छुट्टी हो जाएगी अभी second, मतलब सेकंड uh, थर्ड की शायद छुट्टी हो जाएगी इसकी कोई बात नहीं है ना तो मतलब मैं बता मुझे भी हो कोई हो, नहीं है। तभी ले रहा हूँ छुट्टी होगी संडे की संडे की हाँ कोई बात नहीं मुझे कहीं जाना है तो फिर अच्छा मेरे पास छुट्टी हो जाएगी ओके ठीक है ठीक है कोई बात नहीं ठीक है ना नो इश्यू तो ये एक दिन इसको भी मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा टफ इसके हिसाब से क्योंकि जैसे मैं इनको पैसे देती हूँ कि तुम शॉपकीपर के पास जाओ मैं इसकी कमियां कोई नहीं बच्चा है कि तुम्हें पैसे देने हैं इतने बचे तो कितना खरीदा कितना क्या किया हो जाएगा सब कुछ कर लेगी है मुझे तो बहुत टेंशन है <laughs> नहीं मेरे माँ बाप को तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ एक बात बताता हूँ मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मेरे माँ बाप को अभी भी मेरी टेंशन रहती है <laughs> आपके पेरेंट्स को भी आपकी टेंशन रहती होगी इन्होंने अपना रिपोर्ट करने नहीं बताया इनके टोटल ओवरऑल तो नाइनटी फोर परसेंट आए हैं हाँ बताया था उसने हाँ हाँ चलो कंटिन्यू कर हाँ जी यू भी यहाँ देखिए बेटा

तो इसमें जो कार्बन वाला है तो आई थिंक थ्री होगा हाँ थ्री अपॉन upon... सर ट्वेंटी इन टू हंड्रेड चलो मैं इसमें शॉर्टकट मार देता हूँ अभी परसेंटेज ऑफ कार्बन क्योंकि जो वी ने हमें बता दिया है थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड कितने परसेंट आ गया है. 12% उसके बाद इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम सेकंड पार्ट में बेटा क्या लिखा है वेट ऑफ कार्बन कितना दिया है कार्बन 3 केजी 3 ग्राम है केजी नहीं है ग व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक लैट वेट ऑफ चॉक बी एक्स ग्राम एक्स ग्राम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कार्बन थ्री ग्राम है और उसकी परसेंटेज ट्वेल्व है ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्सके बेटा ये परसेंटेज भी कार्बन की है ये ग्राम भी कार्बन का है तो परसेंटेज कहां से पूरे चौक का ही ट्वेल्व परसेंट होगा ना बेटा यस सर

And sell sell? it at a loss 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 of 15%. How much does uh, she sell? Buy, cost price 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 given given percentage Selling Selling find तूने formula ना बताया ना मैं गाजियाबाद आ जाऊंगा तेरा गला दबा सर हंड्रेड

नाइन फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स अमाउंट फाइंड करने के लिए बोल दिया एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स इन ईच केस प्रिंसिपल पता है रेट पता है पहला पार्ट कर रहा हूं मैं दूसरा अपने आप करोगे प्रिंसिपल पी पी से नोट करते हैं प्रिंसिपल को कितना दिया है रुपी ट्वेल्व हंड्रेड रेट आर से डिनोट करते हैं ट्वेल्व परसेंट पर एन और टाइम कितना बोला है उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ना थ्री इयर्स यस सर तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड प्रिंसिपल इज ट्वेल्व हंड्रेड रेट ट्वेल्व टाइम थ्री अपॉन हंड्रेड वन फोर्टी फोर इंटू थ्री रुपी फोर हंड्रेड थर्टी टू आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट किसके इक्वल पी प्लस एस आई प्रिंसिपल ट्वेल्व हंड्रेड एंड इंटरेस्ट फोर थर्टी टू दीज टू टू थ्री सिक्स वन ये अमाउंट हो गया ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बस सर इसमें तो उस इस फॉर्मूले याद करना है हाँ और क्या सेकंड पार्ट सेम है टेंथ सम पे आ जाओ क्या लिखा है वट रेट गिव रुपी टू एटी एज इंटरेस्ट अब ये भी इंटरेस्ट दिया हुआ है ऑन ए सम ऑफ रुपी दिस प्रिंसिपल दिया है टाइम दिया है देखो प्रिंसिपल कितना है रुपी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड है यस yes, सर टाइम कितना है टू ईयर है रेट हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट दिया है सिंपल इंटरेस्ट मतलब कितना रुपी टू एटी uh -huh. अब सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिख दो बेटा लिख दिया यस इक्वल टू एटी के प्रिंसिपल इज दिस वन रेट हमने फाइंड करना है टाइम टू ईयर है अपॉन हंड्रेड अब जैसे सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे बेटा हम अब आर अपने प्लेस पे रहेगा अपने प्लेस पे है हंड्रेड क्या होगा उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।, जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई थे ये नीचे आ जाएगी तीन जीरो सो, दो जीरो एक जीरो तीनों कटकी ट्वेंटी तो एट टू जार गलत हो रहा है कुछ सही है सर पक्का सही है हम्म मेरे हिसाब से सही है तो इसका इंटरेस्ट फोर आ जाएगा मैं वन बाइ फोर परसेंट आएगा बेटा हाँ वन बाइ फोर परसेंट सही तो एक मिनट पूछे आंसर देखें चेक करें सेवेंथ है चैप्टर है ना कौन सा समय ये टेंथ है ना ठीक है उन्हें डेसिमल में किया हुआ है वन बाय फोर है डेसिमल में करेंगे जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट ही आ जाएगा पी डॉट ए डालना मत भूलना पा रहे हम, जो लास्ट वाला सम है वो भी ऐसा ही है उसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर मीना गिव एज इंटरेस्ट ऑफ रुपी फोर्टी फाइव सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपी 45 फॉर वन ईयर टाइम कितना है वन इयर एट रेट रेट कितना है 9 परसेंट पर एनएम पी.डी. सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे उसका फॉर्मूला पी इनटू आर इनटू टी अपॉन हंड्रेड प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है रेट हमें नाइन दिया हुआ है टाइम हमें वन दिया हुआ है इज अपॉ प्रिंसिपल अपने प्लेस पे फोर्टी फाइव हंड्रेड ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई नाइन कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा नाइन फाइव प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई फाइव इंटू हंड्रेड रुपी फाइव हंड्रेड हो गया चैप्टर फिनिश अभी एक वैदिक मैथ का टॉपिक हमने कौन सा टॉपिक किया था सर टू डिजिट क्रॉस। यस। है ना? अभी निखलम बोलते हैं निखलम सूत्रा okay. क्योंकि वैदिक वैदिक का मतलब पता है ना आपको क्या होता है सर वैसे क्रेज़ क्रॉस के क्वेश्चन ना मेरी अवैकस की बुक में है, बहुत सारे हाँ होंगे मतलब चीजें तो वही हैं नेम डिफरेंट डिफरेंट दे दिया तुम्हारे सारे के हाँ सारे मेथड्स होंगे उसमें भी सर फिर फिफ्टी सिक्स के फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन मैंने उसी से करे अच्छा वेरी गुड निखलम सूत्रा बेटा निखलम सूत्र में क्या है इसमें काफी पार्ट आ सबसे पहले हमें बेस चूज करना होगा टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड ऑन मतलब नंबर ऑफ जीरो जिसके साथ होते हैं निकलम सूत्रा किसके लिए मल्टीप्लाई के लिए किसके लिए मल्टीप्लाई के लिए चलो सबसे पहला बोथ द टर्म्स लेस हो टेन से वह तो वैसे सिंपल सबको आता ही है मैं जैसे ये ले रहा हूं

मतलब माइनस थ्री को माइनस वन से करेंगे प्लस थ्री आएगा ना यस सर चाहे तो नाइन माइनस थ्री कर लो चाहे सेवन माइनस वन कर लो नाइन माइनस थ्री भी सिक्स सिक्स आ आ रहा है, 7 -1 भी 6 आ रहा है है सेवन सेवन माइनस वन भी नाइन जा सिक्सटी थ्री होता है ना यस yes, सर ये तो चलो मैंने टेन के लिए लिया अब मैं कर देता हूँ हंड्रेड के नियर अबाउट ये ले लिया फोर हंड्रेड से कितना लेस है तो सिक्स। 97, 100 से कितना माइनस इनटू माइनस प्लस एटीन क्योंकि ये कौन से बेस के नियर लिया है हमने हंड्रेड हंड्रेड दो जीरोस है ना तो दो डिजिट आएंगे यहाँ पे अब नाइन्टी फोर माइनस थ्री कर लो चाहे माइनस सिक्स कर नाइन्टी फोर में से आंसर ये तो तेरे को समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है चलो मैं एक और क्वेश्चन और ले लेता हूँ ये ले लिया ये ले लिया नाइनटी yes. वन कितना लेस लेस है है ये कितना नाइन माइनस वन इंटू माइनस नाइन नाइन बट साथ में एक जीरो लगाएंगे ये क्योंकि ये कौन सा बेस के नियर लिया था हंड्रेड का बेस लिया है हमने यूज किया है तो दो डिजिट आएंगे और नाइनटी वन माइनस नाइन नाइनटी इनको मल्टीप्लाई करके देख लो ये आएगा ठीक है ये तो था लेस वास्त के लिए अगर ग्रेटर आ जाए सपोज ये आ गया 107, 7, 100 से कितना कितना ग्रेटर ग्रेटर है? Seven. है? हो four. गया oh, yeah. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा समझ आ गया बेटा ये यस सर ऐसे ही थाउजेंड या टेन थाउजेंड के नियर अबाउट तो कर लोगे है है या ग्रेटर है? आज आप ये करो सिर्फ है या ग्रेटर है कल हम क्या करेंगे एक वैल्यू लेस लेंगे एक वैल्यू ग्रेटर लेंगे उसमें डिफरेंट है थोड़ा सा इसलिए मैं आज नहीं करवा रहा वो आज सिर्फ ये करो समझ आ गया बेटा आज का ये, ये आपका वैदिक मैथ का टॉपिक है चलो मिलते हैं कल कल तो नहीं जाना बाहर नहीं। संडे uh, को ही जाना है सिर्फ कल है पर शाम को जाना है अच्छा चलो ओके बाय बाय सर।